मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट दैट इज इकाइनो डर्मेटा, ठीक है, बस ये और हेमिकॉर्डेटा। तो नॉन कॉर्डेट्स के फिर दो ही फाइलम बचे हैं, ये खत्म हो जाएगा, इसके बाद अपना कॉर्डेटा चालू हो जाएगा, ठीक है। इकाइनस मतलब स्पाइनी, ठीक है, और डर्मा मतलब स्किन, तो स्पाइनी स्किन वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको बोलते हैं इकाइनोडर्मेटा। इनका हैबिटेट क्या है, तो इनका हैबिटेट है अक्वाटिक, और अक्वाटिक में भी एक्सक्लूसिवली मरीन। ठीक है, ये स्ट्रिक्टली अपने को सॉल्टी वाटर में, सी वाटर में ही मिलेंगे, अपने को फ्रेश वाटर लेक्स में, रिवर्स में ये लोग नहीं मिलेंगे, ठीक है। फालतू फालतू की चीजें फटाफट निपटा देते हैं। जर्म लेयर्स ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, सिलोम ऑफ कोर्स प्रेजेंट, इसके सिलोम में खासियत है, उसके ऊपर अपन बाद में आएंगे, ठीक है। फिर सिमेट्री इसकी है रेडियल, ठीक है, स्टारफिश में तो पेंटा रेडियल है, पेंटा मतलब पांच तरीके से तुम उसको इक्वल हाफ्स में, दो इक्वल हाफ्स में कट कर सकते हो, है ना, तो रेडियल सिमेट्री है। लेकिन इसका जो लार्वा है, इसका लार्वा है बायलैटरल सिमेट्री, तो इसके कारण इसके लार्वा का नाम रखा गया है, इसका जो लार्वा है उसको बोलते हैं बायपिनेरिया लार्वा, ठीक है। तो मैंने जैसे तुमको बोला था पिछले मोलिस्का वाले में, मैंने तुमको वेलिगर लार्वा बताया था, पर मैं बोला था कि नाम याद मत रखो, पर इसका नाम याद रख लेना, क्योंकि इसके लार्वा का क्या नाम है आप फुकट में याद हो जाता है, बाय से बायलेटरल वाला, ठीक है। दूसरी बात, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि एडल्ट्स में रेडियल है लेकिन लार्वा में बायलेटरल सिमेट्री, थोड़ी अजीब चीज है ना, तो इसके कारण उसका नाम भी कुछ अलग इंपॉर्टेंस बायोलॉजी में रखता है, तो इसका नाम अपन ने याद रख लेना चाहिए, इससे अपने को ये भी याद हो जाता है कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें अपने को मिलेगी, ठीक है। हैबिटेट हो गया, जर्मलर्स हो गया, सीलम हो गया, बॉडी कैविटी क्या, सिमेट्री हो गया, उसके बाद बॉडी वॉल। इसके बॉडी वॉल में क्या रहेगा, सबसे बाहर रहेगा एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस के नीचे रहेगा डर्मिस, ठीक है, ये डर्मिस से स्पाइंस यानी कांटे समान स्ट्रक्चर एंड पेडिसिलेरिये, पेडो वर्ड कम्स फ्रॉम लिम्स, है ना, तो लिम्स तो नहीं है लेकिन वैसा ही स्पाइंस के समान ही स्ट्रक्चर रहता है, इसको नाम रखा हुआ है पेडिसिलेरिये। तो ये दोनों चीजें अराइज होती है डर्मिस से, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं, एपिडर्मिस को पार करके बाहर की तरफ, तो इसलिए उनकी स्किन अपने को कैसी दिखती है, स्पाइनी दिखती है, इसलिए इसका नाम अपन ने रखा हुआ है इकाइनोडर्मेटा। और डर्मिस के नीचे रहेंगे मसल्स कैसे रहेंगे, स्मूथ मसल्स जिनमें स्ट्राइशन अपने को नहीं दिखेंगे, एक्टिन मायोसिन का प्रॉपरली अरेंज पैरेलली अरेंज मायोफाइबल्स अपने को उसमें नहीं दिखेंगे, ठीक है। इनमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है, उसको बोलते हैं वाटर वैस्क्यूलर सिस्टम, इसको थोड़ा भी 1% भी हमको वाटर कनाल सिस्टम से कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है, अपने को इसको पोरीफेरा के वाटर कनाल सिस्टम के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, एकदम ये चीज अलर्ट रखेंगे अपन, रहेंगे इसमें, अपन वाटर वैस्कुलर सिस्टम की बात कर रहे हैं। वाटर वैस्कुलर सिस्टम क्या है मैं बताता हूँ, देखो ऐसा स्टारफिश है सपोज, ठीक है, पेंटा रेडियल है क्योंकि पांच लिम्स उसको रहेंगे, ठीक है, तो इसके सेंटर में नीचे की तरफ वेंट्रल साइड में एक पोर रहता है, उस पोर को, उस गड्ढे को बोलते हैं मैड्रीपोराइट, ठीक है। ये मैड्रीपोराइट से ऐसी ट्यूब्स निकलकर उसके सभी लिम्स में जाएगी, उसकी अगर पांच लिम्स है तो पांचों लिम्स में उसके
ये ऐसे ट्यूब जाएगी, ठीक है। अब क्या होता है, क्या बोलूँ मैं इसको, इसको मैं लेबल कर देता हूँ वेसल। वैसे ब्लड वेसल से कंफ्यूज नहीं करना है अपने को, इसको वेसल नहीं बोलता हूँ, फालतू कंफ्यूज करोगे। एक काम करता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ पाइप। पाइप फ्रॉम मैड्रिपोराइट, ठीक है, पाइप फ्रॉम मैड्रिपोराइट, लेट अस अज्यूम। अब इस पाइप फ्रॉम मैड्रिपोराइट को मैं थोड़ा जूम करता हूँ, सिर्फ एक पाइप को देखते हैं मैड्रिपोराइट से। तो स्टारफिश के वेंट्रल रीजन में जो पोर्शन उसके जमीन के कांटेक्ट में रहने वाला है, उस रीजन में वो जो पाइप फ्रॉम मैड्रिपोराइट है उसके ऐसे छोटे छोटे एक्सटेंशंस रहेंगे, ठीक है। ये क्या है, ये है पाइप फ्रॉम मैड्रिपोराइट, ऐसा कुछ उसको पाइप पाइप बोलते नहीं है, लेकिन मैं उसको पाइप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वेसल बोला तो तुम ब्लड वेसल दिमाग में भर लोगे, सर्कुलेशन उसका ओपन है, उसमें ब्लड वेसल्स है नहीं, तो वो मैं नहीं चाहता हूँ। दूसरा, मैंने अगर उसको ट्यूब बोला तो तुम फिर से गड़बड़ करोगे, क्योंकि ये जो छोटे छोटे एक्सटेंशन निकल रहे हैं ना पाइप फ्रॉम मैड्रिपोराइट से, इन छोटे छोटे एक्सटेंशन का नाम है ट्यूब फीट। इसलिए मैं ट्यूब वर्ड भी यूज नहीं करना चाहता, वेसल वर्ड भी यूज नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने पाइप वर्ड यूज किया है, ठीक है। तो जो मैड्रिपोराइट है एग्जैक्टली उसके सेंटर में, इसके थ्रू पानी अंदर जाता है और वो पानी इन इन सब लिम्स में उसके फैलता है, ठीक है। तो जब इसमें भी उसके पानी फैलेगा तो ऑफकोर्स उस पाइप में से, उस पाइप के जो एक्सटेंशन है उसमें भी तो पानी जाएगा, तो इसमें पूरे तरीके से पानी चले जाएगा, बराबर है। अब एक ट्यूब फिट को मैं बड़ा बनाता हूँ, एक ट्यूब फिट को मैंने जूम किया, इस ट्यूब फीट में क्या रहेगा, यहाँ पर स्मूथ मसल्स रहेंगे, यहाँ पर रहेंगे स्मूथ मसल्स, और वो स्मूथ मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। सपोज अपन ने क्या एग्जांपल दूं मैं तुम लोगों को, अगर अपन ने बलून लिया, बलून, और उस बलून को मैं अपन ने हवा भर दी, ठीक है, बर्थडे के टाइम पे यूज करने के लिए। अब उस बलून का जो हवा भरने वाला पोर्शन रहता है उसको अपन पकड़ते हैं और उसको ऐसा खींचते हैं, क्योंकि अपने को वहां पर गठान बांधनी होती है, बराबर। तो जैसे ही अपन उसको खींचते हैं तो जो बलून रहता है वो बलून ऐसा हो जाता है, जैसे ही अपन बलून के ऊपर इस रीजन में जो उसके हवा भरने की जगह है उसको जैसे अपन खींचते हैं गठान बांधने के लिए, थोड़ा उसको ऐसे 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 बलून को पकड़ के ऐसा नीचे करते हैं, है ना, वो गठान बांधने की जगह को पकड़ के ऐसा नीचे करते हैं, तो जो बलून है वो ऐसा हो जाता है। ऑब्वियसली होगा, क्योंकि उसके अंदर जितनी एयर है बलून के अंदर उतनी वो तो उतनी ही रहती है, वो तो कम ज्यादा नहीं होती, लेकिन अपन जब उसको दबाते हैं उस हवा भरने वाली जगह को तो अंदर का वॉल्यूम कम हो जाता है, तो उतनी एयर को भी कम वॉल्यूम में रहना है, तो ऑफकोर्स प्रेशर बढ़ेगा और उसमें वो बलून में ऐसी मूवमेंट होगी, है ना। तो ये ट्यूब फिट के अंदर पानी पड़ा हुआ है और उस पानी के कारण जैसे ही ये स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण ट्यूब फिट का साइज कम हो जाएगा, तो अब उतने छोटे साइज में ही पूरे पानी को अकोमोडेट होना पड़ेगा, है ना। तो वो छोटा सा जो ट्यूब फिट है, मतलब जो छोटा हो गया ट्यूब फिट, ठीक है, वो ऐसा हो जाएगा, ऐसा, ठीक है, वो मूवमेंट करेगा। तो एक ट्यूब फिट, दूसरी ट्यूब फिट, तीसरा ट्यूब फिट, चौथा ट्यूब फिट, सब ट्यूब फिट में एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो सब एक साथ ऐसा मूव करेंगे, ठीक है, वो एक साथ मूव करेंगे, एक साथ मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सब ट्यूब फिट सपोज ऐसे एक साथ इस तरफ मूव किए तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये ऐसा इस तरफ पुश किया जाएगा, है ना। तो ये ट्यूब फिट की मदद से ये स्टारफिश क्या करेगा, लोकोमोशन करेगा। ट्यूब फिट की मदद से ये स्टारफिश क्या करेगा, लोकोमोशन करेगा, ठीक है। क्या हो रहा है, एक बार फिर से बता रहा हूं, ट्यूब फिट में पानी भर जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें से आएगा पानी तो ऑफकोर्स वो ट्यूब फिट में तो जाएगा ही, और ट्यूब फिट में प्रेजेंट है स्मूथ मसल्स, जैसे ही वो स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होते बराबर पहले ट्यूब फिट का साइज इतना था और ऐसा पूरा उसमें पानी भरा हुआ था, अब ऊपर वाले मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट कर देने के बाद ट्यूब फिट का साइज हो जाएगा छोटा, तो पानी का अमाउंट तो उतना ही रहेगा लेकिन ट्यूब फिट का साइज हो जाएगा छोटा, तो पानी का प्रेशर आएगा और उस पानी के प्रेशर के कारण वो ट्यूब फिट मूव होगा। तो ये सब ट्यूब फिट जब एक साथ मूव होंगे तो उसके कारण ये स्टारफिश का क्या होगा, मूवमेंट होगा।
इस स्टार फिश का मूवमेंट होगा। ठीक है, तो ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है वो ये है कि मैट्रिपोराइट के थ्रू पानी अंदर आता है और फिर उसके पूरे लिम्स में जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो उसके मदद से वो क्या क्या कर रहा है, उसके मदद से एक तो वो लोकोमोशन कर रहा है ना, एक तो उसके मदद से ट्यूब फिट के मदद से, मतलब वाटर वेस्कुलर सिस्टम का एक हिस्सा हो गया ना वो, उसके मदद से वो लोकोमोशन कर रहा है। लोकोमोशन विथ द हेल्प ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, फिर व्हाट अबाउट इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट है। कुछ एक्सेप्शंस है इसमें जिसमें कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन वो सब फालतू में मैं तुमको डेटा नहीं बताते बैठता हूँ। होलोथुरियंस नाम का जो क्लास है इनका, फाइलम इकेनोडर्मेटा का, उनमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, लेकिन वो सब याद रखने की जरूरत नहीं है, अपन डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट ही बोलेंगे। ठीक है, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसमें सीधा सीधा गिल्स रहेंगे तो टेंशन ही नहीं है कुछ। ठीक है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू जो पानी अंदर आता है तो उसके थ्रू भी उसमें जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो भी वो यूज करते हैं, तो अगेन रेस्पिरेशन में भी वाटर वेस्कुलर सिस्टम का रोल रहेगा। ठीक है, फिर एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के लिए नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, एक्सक्रीशन के लिए नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, गिल्स के थ्रू एक्सक्रीशन हो जाता है, एक्सक्रीशन हो जाता है थ्रू गिल्स। ठीक है, कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन एक्सक्रीशन के लिए उसके पास नहीं है। फिर नर्वस सिस्टम प्रिमिटिव, प्रिमिटिव है ना, एकदम ही कोई ढंग का नर्वस सिस्टम इसके पास नहीं है। वही है लैडर लाइक नर्वस सिस्टम, एक नर्व रिंग रहती है, नर्व रिंग, और उसमें से निकलते हैं नर्व कॉर्ड्स। तो जैसे मैड्रिपोराइट है, मैड्रिपोराइट के एग्जैक्टली ऊपर नर्व रिंग रहेगी, और जैसे मैड्रिपोराइट में से वेसल जा रहे हैं पांचों लिम्स में, वैसे ही वो नर्व रिंग में से नर्व कॉर्ड्स जाएंगे पांचों लिम्ब में, बस। तो इसको अपन ने प्रिमिटिव क्या क्यों बोला है, क्योंकि सिर्फ इतना ही प्रेजेंट है, कोई सेंस ऑर्गन, कोई आंखें, कान है ना, कोई बैलेंसिंग ऑर्गन, स्टेटोसिस्ट वगैरह कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो एकदम ही बकवास प्रकार का इसका नर्वस सिस्टम है। ठीक है, फिर लास्ट वन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लास्ट वन इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसके क्या रहेगा, सेक्सेस सेपरेट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन, अब ये तो हमेशा पानी में रहने वाला ऑर्गेनिज्म है, तो फर्टिलाइजेशन इसका रहेगा एक्सटर्नल। ठीक है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट अपने को अलग से याद रखनी नहीं है। क्यों अलग से याद नहीं रखनी है, क्योंकि बाइपिनेरिया लार्वा। ठीक है, तो लार्वा है मतलब ऑफकोर्स स्वाभाविक सी चीज है कि डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। ठीक है, तो अब आते हैं अपन मेन मुद्दे के ऊपर। अब मेरा मेन मुद्दा यह है कि ये कितना फालतू किस्म का ऑर्गेनिज्म है टेक्नोलॉजी वाइज, ये तुम देखो है ना। मैं तुमको हमेशा बोलता हूँ कि एनिमल किंगडम को मोबाइल के इवोल्यूशन के समान कंपेयर करो, कि कैसा कैसे कैसे एक एक टेक्नोलॉजी डेवलप होते गई मोबाइल्स के इवोल्यूशन में। तो इसके बारे में तुम सोचो, इसमें ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम से आधी से ज्यादा चीजें कर रहा है वो, है ना। मसल्स में भी देखो, स्मूथ मसल्स ही है सिर्फ, कोई वॉलेंट्री स्ट्राइटेड प्रॉपर मसल्स नहीं है। ठीक है, फिर बायलेटरल सिमेट्री को अपन एडवांस्ड फीचर समझते हैं। देखो एक चीज याद रखना, जो जो चीजें ह्यूमन बींग्स में मिलती है वो एडवांस्ड है, बात खत्म। तो क्या एडवांस्ड है और क्या प्रिमिटिव है, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है अपने को। ठीक है, सीधा सीधा जो ह्यूमन बींग्स में मिलेगा वो एडवांस्ड है। तो हम लोग बायलेटरली सिमेट्री के अगर है, तो इसका मतलब बायलेटरली सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री क्या है, एडवांस्ड फीचर है। तो इसका स्टार्टिंग से देखो, तुम पूरे तरीके से मरीन है, मतलब पूरा पानी में रहता है, लैंड पे मिलने वाला एक भी ऑर्गेनिज्म नहीं है। ठीक है, एक तो ये,
फिर उसके बाद रेडियल सिमेट्री, ये दूसरा। फिर मसल्स भी है तो सिर्फ स्मूथ मसल्स है, स्ट्राइटेड मसल्स नहीं है, ठीक है। लोकोमोशन करता है, एनिमल है, अब किंगडम एनिमल है तो लोकोमोशन करता है, लेकिन वो भी कैसा है, ट्यूब फिट के थ्रू मोशन है, ठीक है, कोई सा ढंग का मोशन तो है नहीं, एकदम स्लो मोशन रहता है, एकदम स्लो, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, चलो ये एक तो एडवांस फीचर है। बाकी एक्सक्रीशन के लिए नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, कितना प्रिमिटिव फीचर है। नर्वस सिस्टम देखो यार, कम से कम मतलब एकदम छोटे लेवल के जो ऑर्गेनिजम्स है, इससे भी छोटे वाले जैसे एनेलिडा वगैरह, तो एनेलिडा के पास तो भी कुछ ना कुछ सेंस ऑर्गन्स रहते हैं, जैसे स्टेटोसिस्ट जो बैलेंसिंग वाला ऑर्गन है ना, जो उसको बताता है कि पानी में अपन बराबर एक डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, वो सब ऑर्गन्स उनमें भी मिलते हैं, लोअर ऑर्गेनिजम्स में भी। इसमें कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है, ब्रेन नहीं है, कुछ नहीं है, बस नर्व रिंग विथ नर्व कॉर्ड्स। ये भी ठीक है, तुम बोलोगे सर ये सिर्फ ऐसा एक नर्व रिंग विथ नर्व कॉर्ड है तो ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा टाइप है, ठीक है, लेकिन आर्थ्रोपोडा के पास आईज है ना, ओमाटीडिया कंपाउंड आईज। फिर आर्थ्रोपोडा के पास वो लेबियल पाल्प्स, अपन ने कॉकरोच में देखा था, लेबियल पाल्प्स है, एनल सरकाय है, मतलब टच के लिए, स्मेल के लिए उनके पास अलग अलग चीजें हैं। तो भले ही ब्रेन उनके भी पास नहीं, लेकिन दूसरे सेंस ऑर्गन्स तो है उनके पास, इनके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर रिप्रोडक्शन में भी सब कुछ प्रिमिटिव, सेक्सेस सेपरेट, चलो ये तो भी थोड़ा सा एडवांस फीचर है क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स का है, तो इसको अपन एडवांस पकड़ेंगे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रिमिटिव फीचर हो गया, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट प्रिमिटिव फीचर हो गया, है ना। और ये सब तो ठीक है, ये देखो ना तुम, ये क्या हालत है ये एक्सक्रीशन के लिए। प्लेटियल मींस के पास तो भी प्रोटोनेफ्रिडिया, ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लेम सेल्स, है ना, वो प्रेजेंट है। इनके पास तो वो भी नहीं, एक्सक्रीशन के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है, कुछ नहीं है, तो कितने प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म सही है, आंखें नहीं, कान नहीं, कुछ नहीं, तो फिर अपन ने इनको नॉन कॉर्डेट्स में इतना आगे क्यों रखा है ना। इसके बाद इकाइनोडर्माटा के बाद हेमिकॉर्डेट आएगा और खत्म हो गया नॉन कॉर्डेट्स, फिर अपन कॉर्डेट्स पढ़ेंगे, तो इतना आगे क्यों रखा है इनको, सेकंड लास्ट नंबर पे क्यों रखा है। तो मैंने बोला था ना कि सिलोम में अभी कुछ बचा है, मैं टाइम पे बताऊंगा। तो सिलोम में इनके पास क्या है, इनके पास है एंटेरोसिलोम। एंटेरोसिलोम मतलब क्या होता है, एंटेरोसिलोम मतलब बताया था ना, एस फॉर साइजोसिलोम, एस फॉर स्प्लिटिंग। अगर मिजोडर्म के स्प्लिट होने से सिलोम तैयार होता है तो उसको साइजोसिलोम बोलते हैं, और एंटायर सिलोम अगर ऑलरेडी पॉकेट्स के फॉर्म में बन के आया है और वो पैकेट्स अगर फ्यूज हुए हैं तो उससे जो सिलोम बनता है उसको एंटेरोसिलोम बोलते हैं। ये एंटेरोसिलोम ह्यूमन बींग्स में मिलता है, इसका मतलब वो एडवांस्ड फीचर है। और एंटेरोसिलोम की जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट ही शुरू होती है इकानोडर्मेटा से। इकानोडर्मेटा पहले ऑर्गेनिजम्स है, पहला फाइलम है जिसमें अपने को एंटेरोसिलोम मिलेगा, विच इज एन एडवांस्ड फीचर। और इस एडवांस्ड फीचर के कारण इसको अपन ने सेकंड लास्ट नंबर पे रखा हुआ है। बाकी चीजें इतनी पुरानी, इतनी खराब होने के बावजूद भी, इतनी वीक होने के बावजूद भी, इतनी प्रिमिटिव होने के बावजूद भी, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इवोल्यूशन में, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड रहा है, इसलिए इसको अपन ने इकानोडर्मेटा को सेकंड लास्ट नंबर पे रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, मैंने एक और चीज बताई थी, ए बी सी डी ई, है ना, एंटेरोसिलोम मतलब ड्यूटरोस्टोम्स, स्टोमा मतलब माउथ, है ना, ड्यूटेरो मतलब दूसरा, तो इनमें माउथ सेकंड नंबर पे तैयार होगा, एनस फर्स्ट तैयार होगा, ऐसा ही ह्यूमन बींग्स में भी होता है, ठीक है। तो ये ह्यूमन बींग्स के साथ काफी, मतलब काफी नहीं, लेकिन ये चीज में मैचिंग शो करते हैं, एडवांस फीचर शो करते हैं, जो कॉर्डेट्स का है, वर्टिब्रेट्स का है, इसलिए अपन ने इनको रखा हुआ है सेकंड लास्ट नंबर पे, ठीक है। तो एंट्रोसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स हमेशा ड्यूटेरोस्टोम्स रहेंगे। और एक चीज मैंने तुमको बताई थी, पी क्यू आर एस, एस फॉर साइजोसिलोम, एस फॉर साइजोसिलोम, जिसमें एस फॉर साइजोसिलोम, एस फॉर स्प्लिटिंग, जिसमें मिजोडर्म स्प्लिट होता है ना, एंड पी फॉर प्रोटोस्टोम्स। तो प्रोटोस्टोम्स जो रहते हैं, जिनमें माउथ पहले तैयार होता है, वो साइजोसिलोमिक रहते हैं, और जिनमें माउथ सेकंड तैयार होता है, एनएस पहले तैयार होता है, वो एंट्रोसिलोमिक रहते हैं। तो एंट्रोसिलोम, इसके पहले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब ट्रू सिलोम, एक्चुअली कहां से चालू हुआ, एनिलिडा से चालू हुआ, है ना। प्लेटियल मींस में तो सिलोम ही नहीं था, एस्केल मींस में सुडोसिलोम था, एनेलिडा में जो सिलोम है वो साइजोसिलोम रहता है। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा,
मोल्यूस का, उनमें साइजोसिलोम रहता है। इकानोडर्माटा पहले ऑर्गेनिजम्स है जिसमें अपने को एंटेरोसिलोम मिलता है, जो ह्यूमन बींग्स वाला कैरेक्टरिस्टिक है, हायर ऑर्गेनिजम्स वाला कैरेक्टरिस्टिक है, इसलिए इसको हमने रखा हुआ है सेकंड नंबर पे। एबीसीडी ड्यूटरोस्टोम्स वाले एंटेरोसिलोमेट, प्रोटोस्टोम्स वाले साइजोसिलोमेट। ठीक है, तो इनकी कुछ स्पेशल पॉइंट्स बता देता हूँ, फिर एग्जांपल्स देख लेंगे अपन फटाफट। इनके स्पेशल पॉइंट्स में पहली चीज है कि ये इनका मतलब स्टारफिश का अगर कोई हाथ कट गया, ठीक है, तो वो उसको वापस रीजनरेट कर सकते हैं, तो इनमें रीजनरेशन की पावर बहुत ज्यादा है। ठीक है, स्टारफिश का अगर एक आध हाथ ऐसा कट गया तो उसका हाथ फिर से वापस आ जाएगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। एक तो रीजनरेशन की पावर बहुत ज्यादा है, ठीक है। दूसरा ये एक चीज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ई विसरेशन। ठीक है, मैंने तुमको एक चीज बताई थी नर्वस सिस्टम के बाद, वी फॉर वेगस, वी फॉर विसरा, विसरल ऑर्गन्स, है ना। विसरल ऑर्गन्स मतलब अंदर के ऑर्गन्स, ठीक है, जो बॉडी के अंदर ऑर्गन्स रहते हैं उनको बोलते हैं विसरा, है ना। तो अंदर के ऑर्गन्स, ई मतलब एग्जिट, ई मतलब बाहर निकलना, तो ई विसरेशन मतलब क्या है कि अपने बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है उनको बाहर निकाल लेना, इसको बोलते हैं ई विसरेशन। तो ये लोग क्या करते हैं मुसीबत के समय, ठीक है, क्या बोलेंगे अपन मुसीबत के लिए, डेंजर, डेंजर के समय वो क्या करेंगे, दे विसरेट, बाहर निकाल लेते हैं उनके अंदर जो भी ऑर्गन्स प्रेजेंट है उनको, दे ई विसरेट देयर इंटरनल ऑर्गन्स। तो एक तो डरावना लगता है इसलिए मैक्सिमम प्रीडेटर्स भाग जाते हैं, दूसरी चीज ये क्या करते हैं कि शिकार करने के लिए, मतलब इनको कोई खाने के लिए आया तो ई विसरेशन कर देंगे। तुम सोचो ना, तुम ऐसे किसी इकानोडर्माटा को पकड़ने गए और उसने पूरे अपने अंदर के ऑर्गन्स बाहर निकाल दिए तो तुम छी करके सबसे पहले भाग जाओगे। तो एक तो उसको प्रोटेक्शन के लिए भी यूज करता है, दूसरा वो शिकार के लिए भी यूज करता है। वो क्या करते हैं, स्टारफिश ऐसा मूव होते होते हो के अपने फूड के ऊपर जाके सेटल हो जाते हैं और फिर अपना पूरा विसरा बाहर निकालते हैं और बाहर उनके ऊपर डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करते हैं फूड के ऊपर, और फूड को डाइजेस्ट करके उसके अंदर ले फिर अपने पूरे ऑर्गन्स को अंदर खींच लेते हैं, ऐसा भी करते हैं। तो अलग अलग चीजों के लिए वो यूज करते हैं इस चीज को, लेकिन ये टेक्नोलॉजी इनके पास अवेलेबल है, इतना बस ध्यान में रखना। ठीक है, ई फॉर इकानोडर्माटा, ई फॉर ई विसरेशन। ठीक है, ये ई विसरेशन ये करेंगे, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ऑल्सो ई फॉर एंटेरोसिलोम, ई फॉर इकानोडर्माटा, ई फॉर एंटेरोसिलोम एंड ई फॉर ई विसरेशन। ठीक है, तो विद दिस वी मूव टूवर्ड्स एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में अपने पास इनके क्या क्या है, तो अपने पास एग्जाम्पल्स में है सबसे पहले तो स्टारफिश, सबसे कॉमन वाला। ठीक है, तो स्टार को अपन एस्टर बोलते हैं, एस्टर, तो एस्टेरियाज, सिंपल है, स्टार को अपन एस्टर बोलते हैं तो एस्टेरियाज। ठीक है, ये तो फुकट में याद हो जाएगा। फिर उसके बाद है इकाइनोडर्माटा, है ना, ये तो इकाइनस, इकानोडर्माटा का इकाइनस। ठीक है, ये भी एकदम सिंपल है। ठीक है, ये क्या है, ये है, ये साइंटिफिक नेम हो गया, इसको अपन ने क करके प्रोनाउंस किया ना, तो इसको भी अर्किन बोलने का, या फिर इसको एचिनस बोलने का, इसको सी अर्चिन बोलने का, सेम उधर भी था ना, चीटोप्यूरा चीटॉन या फिर कीटोप्यूरा कीटॉन, वैसे इकाइनस सी अर्किन या एचिनस सी अर्चिन, ये बोलना है बोल सकते हैं, नॉट अ बिग डील। ठीक है, फिर और इसमें कौन है, सी लीली, सी लीली इसका साइंटिफिक नेम है एंटीडॉन। इसको याद रखने की ट्रिक में वीडियो में तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ठीक है, मेरे को ही गंदा लगेगा वीडियो में बताने को, हर साल बताने को अजीब ही लगता है इसकी ट्रिक जो मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, क्लासेस चालू होने के बाद बताऊंगा। सी लीली का नाम है एंटीडॉन, साइंटिफिक नेम ऑफ सी लीली। ठीक है, फिर और कौन है इसमें, एक कुकुम्बर है, सी कुकुम्बर, एक है सी कुकुम्बर,
इसका साइंटिफिक नेम बहुत आसान है, कुकुम्बर ककड़ी, कुकुम्बर तो कुकुमेरिया, कुकुम्बर तो कुकुमेरिया, ठीक है, इसमें तो कुछ मुश्किल है नहीं। और एक आखिरी वाला है, दैट इज ब्रिटल स्टार, ठीक है, इसको याद रखने का मेरे पास कोई ट्रिक नहीं था, लेकिन नीरज ने इसकी ट्रिक बनाई थी तो वो मेरे को याद है। देखो ओपियम रहता है, ओपियम अपन ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में बोला था कि ओपियम से हेरोइन बनता है, हेरोइन पॉपी है ना, तो ओफियूरा से ओपियम याद रखना। और हेरोइन वगैरह या फिर क्रिस्टल मेथ वगैरह ड्रग्स के कारण क्या होता है, मैंने एक चीज बताई थी कि दांत गिर जाते हैं, दांत झड़ जाते हैं, तो दांत पहले ब्रिटल हो जाएंगे ना झड़ने के पहले, तो ओपियम लेने के कारण दांत ब्रिटल हो जाएंगे, तो ऑफियूरा ब्रिटल स्टार, सिंपल चीज है, ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। विद दिस नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द लास्ट फाइलम ऑफ नॉन कॉर्डेट्स, दैट इज फाइलम केमिकॉर्डेटा। फाइलम हेमिकॉर्डेटा एकदम ही इडियोटिक फाइलम है। इडियोटिक फाइलम क्यों है, क्योंकि वैसा ही है इकाइनोडर्मेटा के समान, पूरा एकदम प्रिमिटिव प्रिमिटिव चीजें, कुछ भी एडवांस फीचर्स नहीं है, कुछ ऐसा खास ऑर्गेनिज्म नहीं है। लेकिन फिर अपन ने इसको लास्ट में क्यों रखा हुआ है नॉन कॉर्डेट्स के, अरे लास्ट में क्यों रखा है छोड़ो, इसको तो उल्टा प्रीवियसली पुराने जमाने में कॉर्डेट्स में रखा गया था। बाद में पता चला कि यार इसको कॉर्डेट्स में रखना बेइज्जती है कॉर्डेट्स की, कुछ भी इसमें डेवलप कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, इसलिए उसको निकाल के फिर नॉन कॉर्डेट्स में रखा, ठीक है। कई साइंटिस्ट इसको बीच में कंसिडर करते हैं, मतलब कनेक्टिंग लिंक समान कंसिडर करते हैं किसकी, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स में, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स की कनेक्टिंग लिंक समान इसको ट्रीट करते हैं कई सारे साइंटिस्ट। वाई, बिकॉज इसमें ना हेमिकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड समान स्ट्रक्चर रहता है, नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज स्टोमोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसलिए अपने को स्टार्टिंग में कॉर्डेट्स में रख दिया था, लेकिन बाकी इसमें कॉर्डेट्स वाली कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, नोटोकॉर्ड भी ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं है, नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, और बाकी चीजों में बहुत ही प्रिमिटिव है, इसलिए इसको फिर उखाड़ के अपन ने नॉन कॉर्डेट्स में डाल दिया। लेकिन अब कुछ भी हो जाए, नोटोकॉर्ड तो बहुत बड़ा फीचर हो गया, इसलिए अपन ने उसको सबसे ज्यादा डेवलप कंसिडर करके नॉन कॉर्डेट्स में सबसे आखिरी में रख दिया, इवन तो बाकी सब कैरेक्टर्स उसके एक्सट्रीमली प्रिमिटिव है तो भी, ठीक है। तो चालू करते हैं इसका हैबिटेट। इसका हैबिटेट मराइन, मराइन में भी कहां पर, तो बेंथिक, बेंथिक मतलब क्या, इकोलॉजी के वीडियोस तुमने देखे हैं तुमको पता होगा, बेंथिक का मतलब होता है सी फ्लोर पे रहने वाले, है ना, सी फ्लोर पे रहने वाले। उसमें भी फसोरियल, फसोरियल मतलब बरो यानी बिल, बिल बना के मतलब समुन्द्र के फ्लोर में गड्ढा करके उसके जमीन के उसके रेती के नीचे घुस जाने का, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये हो गया इनका हैबिटेट। फिर फालतू फालतू की चीजें निपटा लेते हैं फटाफट। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ कोर्स ऑर्गन सिस्टम इतने भी प्रिमिटिव नहीं है, इसमें क्या ये होने वाला है ना। लेयर्स, ऑफ कोर्स ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये सब फॉर्मेलिटी है, सब लिखने की जरूरत भी नहीं है, एवरीवन नोज दैट ये यही रहने वाला है, और क्या रहने वाला है ना। सिलोम प्रेजेंट, ऑफ कोर्स सिलोम बिल्कुल 100% प्रेजेंट रहेगा। सिमेट्री, सिमेट्री इसकी रहेगी बायलैटरल, ठीक है, चलो कुछ तो एडवांस फीचर आ गया, ठीक है। ये तो बेसिक बेसिक चीज़ें तो सिंपल है, बेसिक बेसिक चीज़ें तो खत्म करते हैं अपन। अभी अपन बढ़ते हैं बॉडी फॉर्म की तरफ, इसका बॉडी फॉर्म कैसा रहता है। तो इसका बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू प्रोबोसिस,
कॉलर एंड ट्रंक, ट्रंक मतलब थोरैक्स एंड एब्डोमेन, है ना, लिम्स वगैरह कुछ नहीं रहता है। प्रोबोसिस मतलब क्या होता है, प्रोबोसिस मतलब सूंड, हाथी की सूंड होती है ना, हाथी की सूंड, ठीक है, तो हाथी की सूंड को वैसे ट्रंक बोलते हैं, लेकिन प्रोबोसिस मतलब, या मच्छर की सूंड इमेजिन करो, मच्छर का जो पार्ट रहता है जिससे वो अपना ब्लड सक करता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोबोसिस। तो इसके भी बॉडी में ऐसा प्रोबोसिस रहेगा, एक कॉलर रहेगी और ट्रंक मतलब थोरैक्स एंड एब्डोमेन, लिम्स वगैरह कुछ नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इसके कारण ये कैसा दिखेगा, इसके कारण दिखेगा वर्म के समान, है ना, हेलमिंथ के समान, प्लेटी हेलमिंथ, एस्केलमिंथ, ऐसा वर्म लाइक दिखेगा क्योंकि लिम्स इसको नहीं है, ठीक है। फिर बॉडी फॉर्म के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा कंप्लीट, ठीक है। पानी में रहता है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का तो टेंशन ही नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इसका रहेगा, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करेगा, पानी में रहता है तो उसमें तो कुछ टेंशन, दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप, मैंने बोला था ना कि ये भी इकानोडर्माटा समान ही है, फालतू ऑर्गेनिज्म है एकदम, पहले ही बोला था स्टार्टिंग में कि एकदम ही इतना लास्ट में रखने लायक तो है ही नहीं, बस ये नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो रहता है विच इज कॉल्ड एज स्टोमोकॉर्ड, इसके कारण बस इसको इज्जत मिली हुई है और आखिरी में रखा हुआ है, तो है एकदम फालतू ऑर्गेनिज्म। देखो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम तो कितना प्रिमिटिव फीचर है, और कॉर्डेटा के लास्ट में ऊपर सबसे टॉप पे जाके बैठा हुआ है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप, पिगमेंट रेस्पिरेटरी पिगमेंट, अगर मैं हमेशा सर्कुलेशन में लिखता हूँ लेकिन चलता है, पिगमेंट इज वैनेडियम, वैनेडियम कोई केमिकल नहीं है, मतलब कंपाउंड नहीं है, वैनेडियम एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इनका पिगमेंट, अरे यार क्या बोल रहा हूँ, मॉलिक्यूल नहीं, वैनेडियम एक एलिमेंट है, ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल में मिलेगा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इसका पिगमेंट क्या है, वैनेडियम है। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो इसकी जो प्रोबोसिस है उसमें एक ग्लैंड रहती है, उसको बोलते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड, तो प्रोबोसिस ग्लैंड के थ्रू ये एक्सक्रीशन करता है, ठीक है। एंड लास्टली रिप्रोडक्शन, अब सेक्सेस सेपरेट है, यही बस वही उसके समान ही, इकानोडर्माटा समान ही, सेक्सेस सेपरेट है, यही बहुत बड़ी बात है, बाकी पूरा प्रिमिटिव फीचर है। प्रिमिटिव कैसे, तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, क्या मतलब है, लोअर ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कर रहा है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट भी इनडायरेक्ट है, सब लोअर ऑर्गेनिज्म वाली हरकत है इसमें, ठीक है। बस वो प्रोबोसिस क्या बोल रहा हूँ, नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो है स्टोमोकॉर्ड, उसके कारण अपना टॉप पे जाके बैठा हुआ है, बाकी वैसे इज्जत इसकी कुछ है नहीं, ठीक है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, लार्वल फॉर्म विल बी प्रेजेंट। एग्जाम्पल्स है बैलेनोग्लॉसस, इसका बैलेनोग्लॉसस का कॉमन नेम है टंग वर्म, और एक है दैट इज सैकोग्लॉसस, और भी है लेकिन याद रखने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में दो ही दिए हुए हैं, दो ही अपन याद रखेंगे एग्जांपल्स, ठीक है। बैलेनोग्लॉसस एंड सैकोग्लॉसस, बैलेनोग्लॉसस का कॉमन नेम है टंग वर्म, ठीक है। तो वैसे प्रोबोसिस के कारण ही अपना इज्जत बनाकर बैठा हुआ है, ठीक है। और इसमें कुछ खास मेंशन करने लायक तो है नहीं, सिलोम, उसका इंट्रोसिलोम हो गया था स्टारफिश का, तो इसका भी ऑफ कोर्स इंट्रोसिलोम रहेगा, ठीक है। बॉडी फॉर्म में बॉडी डिवाइडेड टू प्रोबोसिस कॉलर ट्रंक, ये इंपॉर्टेंट चीज है, एक सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस रहेगा, एक सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस रहेगा,
और क्या रहेगा इसमें, कुछ ऐसा खास तो है नहीं, और कुछ बचा है कि नर्वस सिस्टम रह गया, नर्वस सिस्टम रह गया। तुम लोग अपने नोट्स में नर्वस सिस्टम को पहले ही लिख लेना, ठीक है। नर्वस सिस्टम वो भी बताने की जरूरत नहीं है, पता ही है तुमको। ब्रेन इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग, वही हमेशा वाला नॉन कॉर्डिक्स वाला, क्या है इसमें कुछ और है ही नहीं। और एपिडर्मिस जो रहता है उसका, सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस, वो सेंस ऑर्गन की तरह एक्ट करता है बस। बाकी ऐसे आंखें वगैरह तो ऐसा जो उसको है नहीं, क्योंकि समुन्द्र के नीचे रहता है, उसमें भी बरो करके रहता है, तो क्या करेगा आंखों का इतने अंधेरा अंधेरे में, दिखने वाला तो है नहीं उसको कुछ, बाकी भी कुछ है नहीं। ठीक है, इतना ही है इसके बारे में, और कुछ है नहीं हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, तो विद दिस अपना कॉर्डेट्स वाला, नॉन कॉर्डेट्स वाला पोर्शन खत्म हो गया, कॉर्डेट्स वाला भी पोर्शन अपन फटाफट खत्म कर देंगे। ठीक है, गुड बाय।